नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। सैकड़ों सालों की गुलामी और लंबे संघर्ष के बाद आज चाहे हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल अब भी हमारे जहन में रह रहकर गूंजते हैं कि क्या वाकई हम आजाद हो चुके हैं। क्योंकि देश के जिस भी कोने में आप जाएंगे, वहां आपको मुगलों की या फिर अंग्रेजों की छोड़ी गई छाप किसी ना किसी रूप में मिल ही जाएगी, जो आपको सैकड़ों सालों की गुलामी का एहसास करा जाएगी। कहते भी हैं कि गुलामी चली जाती है, लेकिन गुलामी की मानसिकता नहीं जाती। अंग्रेजों को देश छोड़कर गए 75 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो कहने को तो हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, लेकिन अमृतकाल में भी देश में कई चीजें ऐसी हैं जो हमें गुलाम भारत की याद दिलाती हैं, चाहे वो कानून हो, कोई इमारत हो, राजमार्ग हो या फिर संस्थाएं। मुगलों और अंग्रेजों की छोड़ी गुलामी की निशानियां हर जगह देखने को मिल जाती हैं। लेकिन साल 2014 के बाद मानो वक्त तेजी से बदला, देश पर गुलाम मानसिकता की छाप भी काफी हद तक मिटने लगी है, या यूं कहें कि मिटाई जाने लगी है। गुलामी की निशानियों को मिटाने का बीड़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया था और चुन चुन कर अंग्रेजों से जुड़ी उन तमाम निशानियों को वो मिटाते जा रहे हैं जो आजाद हिंदुस्तान को उसकी गुलामी की याद दिलाती। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि गुलामी की हर सोच से देश को निजात दिलाएंगे और देश की सांस्कृतिक विरासत को पूरा सम्मान मिलेगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 9 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलामी के कितने प्रतीक चिन्हों को हटाया और मिटाया है। तो सबसे पहले तो बदल गया देश के लोकतंत्र का मंदिर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय कारीगरों के बनाए नए संसद भवन का हाल ही में उद्घाटन किया। संसद भवन में प्रधानमंत्री ने वो सेंगोल स्थापित किया जो सत्ता हस्तांतरण के दौरान अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया था और जिसे नेहरू ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संसद में स्थापित कर भारतीय परंपरा और संस्कृति को फिर से स्थापित करने का एक नया कीर्तिमान रच दिया। दूसरी बात राजपथ की करते हैं, जो अब बन गया है कर्तव्य पथ। साल 1911 में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के सम्मान में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की सड़क का नाम पहले किंग्सवे रखा गया था, जिसे बाद में राजपथ नाम दे दिया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक राजपथ का नाम बदलकर अब उसे कर्तव्य पथ कर दिया है। ब्रिटिश गुलामी की याद दिलाने वाली सड़कों के नाम भी बदले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शासन की शुरुआत में ही ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से जुड़े रास्तों के नाम बदलने का ऐलान किया था, जिसके चलते औरंगजेब रोड का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डलहौजी रोड को बदलकर शिकोह रोड किया गया और तीन मूर्ति चौक की जगह तीन मूर्ति हाइफा चौक नाम कर दिया गया। योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग अब नीति आयोग बन चुका है। जी हाँ, इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। योजना आयोग का काम अगले 5 साल के लिए योजनाएं बनाना था। नीति आयोग बनने के बाद नीति आयोग ने केंद्र सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। जनधन जैसे अकाउंट खोलकर सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के पैसे सीधे धारकों के अकाउंट तक पहुंचाने का प्रयास शुरू किया, जिसमें वो सफल भी रहे। ब्रिटिश काल के 1800 से ज्यादा कानूनों का खात्मा किया गया। जी हाँ, मोदी सरकार 9 साल के कार्यकाल में 1800 से भी ज्यादा पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। ये कानून अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए थे। अंग्रेजों के बनाए ये ऐसे कानून थे जो मौजूदा समय में किसी भी काम के नहीं रहे। अंग्रेजों के बनाए इन कानूनों को भारत के लोगों के शोषण का जरिया माना गया। सरकार ने मानसून सत्र के दौरान भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए कानूनों का मसौदा भी संसद में पेश किया। फिलहाल ये तीनों विधेयक संसदीय समिति के पास रिव्यू के लिए भेजे गए। अंग्रेजों के समय से चल रहा जो रेल बजट था वो भी खत्म हुआ। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 साल से भी ज्यादा समय से चली आ रही परंपरा को तोड़ते हुए रेलवे बजट को आम बजट का ही हिस्सा बना दिया। रेल बजट और आम बजट पहले संसद में अलग अलग पेश किए जाते थे, लेकिन मोदी सरकार ने रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया। नेताजी और सरदार पटेल की विरासत का पुनर्जन्म भी हुआ, ये भी एक बड़ी घटना रही। प्रधानमंत्री मोदी ने
गुलामी के प्रतीक जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटाकर इंडिया गेट की ग्रैंड कैनोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति की लौ का नेशनल वॉर मेमोरियल में विलय कर दिया। इसी तरह कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री ने विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। अंडमान निकोबार में जो द्वीप थे उसमें जो अंग्रेजी नाम थे वो भी बदले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरणा लेते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज द्वीप कर दिया। इस तरह वहां के तीनों द्वीपों का नाम रॉस आइलैंड से नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक आइलैंड से स्वराज द्वीप और नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया है। बदले गए नौसेना के झंडे भी। मोदी सरकार ने नौसेना के झंडे से सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर उसमें राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह और शिवाजी छत्रपति महाराज के प्रतीक चिन्ह को शामिल किया है। नौसेना का नया ध्वज शिवाजी महाराज की राजमुद्रा और छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरणा लेते हुए बनाया गया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शिवाजी ने ही अपनी दूर दृष्टि का इस्तेमाल करते हुए एक विश्वसनीय नौसैनिक बेड़े का गठन किया था। कई स्टेशन, शहर, समारोहों के नाम भी बदले गए। मोदी सरकार ने कई राज्यों, शहर से लेकर सड़कों और रेलवे स्टेशनों तक के नाम भी बदल दिए। एक तरफ जहां मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया, वहीं गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया। वहीं गणतंत्र दिवस के बाद होने वाले बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही अबाइड विद मी धुन हटा ली गई। इंडिया गेट पर मौजूद छतरी में 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम लगाया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी की वर्षगांठ पर लाल किले से पंच प्रणों में गुलामी की निशानियों से मुक्ति की बात कही थी और अपने 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने वो करके भी दिखाया। मोदी ने ऐसी विरासतों को हटा दिया जो गुलामी के दौर की विरासत थी और आज तक चली आ रही थी। और ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर मोदी सरकार की हैट्रिक लगती है तो अंग्रेजों के बनाए स्मारकों, सड़कों, इमारतों को देश में तो क्या इतिहास के पन्नों में भी जगह ना मिले। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।